मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नए चेहरे देखकर। निमृत कौल अहलूवालिया हो गई है बिग बॉस हाउस से इवेक्ट। बिग बॉस हाउस के इवेक्शन के बाद इन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया। आइए सुनते हैं निमृत ने क्या कुछ कहा। निमृत ने दिया अपना इवेक्शन पे पहला रिएक्शन। देखिए निमृत ने क्या कहा। दिल से कहूँ अगर पैन इंडिया वोटिंग होती और फिर ऐसा होता तो ज़्यादा दुख होता, पर अगर कुछ लोगों के ओपिनियन की वजह से ऐसा हुआ जिनका ओपिनियन मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ तो इट्स ओके। आई नेवर थॉट आई कुड डू दिस बट आई डिड इट। आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। निमृत से जब पूछा गया कि उनकी जगह पर किसे इवेक्ट होना चाहिए था आज, तो आइए सुनते हैं निमृत ने क्या कहा। मेरी जगह कौन होना चाहिए? फर्स्टली यार मैं कोई नहीं होती किसी की भी किस्मत डिसाइड करने के लिए कौन जाना चाहिए था कौन नहीं। ये सवाल आपको बताना चाहिए, इस सवाल का जवाब कि कौन जाना चाहिए था कौन नहीं। निमृत ने यहाँ बताया कि अगर वोटिंग ऑडियंस के हिसाब से होती तो जरूर वो टॉप 4 में पहुँचती। आइए सुनते हैं निमृत ने क्या कहा। अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मुझे पता है कि टॉप 4 तक तो मैं डेफिनेटली थी, और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ साथ में रहती तो शायद उससे भी आगे। निमृत से जब पूछा गया कि जब भी शिव प्रियंका से बात करता था तब निमृत अपसेट हो जाती थी, तो इसका कारण क्या था? आइए सुनते हैं निमृत ने क्या कहा। इसका मैं एक कारण बताती हूँ कि दोस्ती में ना अक्सर एक हक रहता है, और अगर सामने वाला ये हक जमाए कि तुम अगर जैसे उनको नहीं पसंद कि उनको अर्चना जैसे नहीं पसंद, तो अगर शिव को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी अर्चना से बात करने की तो फिर मैं भी क्यों ना हक जमाऊँ। एक फ्रेंडशिप में जेन्युइनली एक दूसरे पर हक रहता है, तो अगर सामने वाला वो हक जमाएगा तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बोलूँ कि बेटू You also keep yourself in check.